तो फिर हेलो स्माइल स्माइल पापा को सब कहेंगे कि बड़ा सी लेके जा रही थी मनीषा पल्लू 500 बच्चे बुलाना हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। और आज है सैटरडे। आज हम निकले हैं एक अनप्लैंड ट्रिप पर। तो अभी जो प्लानिंग हुई है वो हुई है कि हमें जाना है वाटर पार्क, बट कौन से वाटर पार्क जाना है वो अभी डिसाइड नहीं हुआ है। तो हम जो पहले ट्राई करेंगे, हम ट्राई करेंगे गुड़गांव का फन एंड फूड। तो हमने वहाँ पे ट्राई किया, बट वहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉस्टली था, क्योंकि हम पहले भी वहाँ पे जा चुके हैं। तो जो वो अब चार्ज वहाँ ले रहे हैं वहाँ पर, वो उतना वर्थ नहीं है वहाँ जाने का। तो उसके बाद हम आ गए हैं यहाँ पे स्प्लैश। जो दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली के आसपास रहते हैं, उनको स्प्लैश के बारे में पता होगा। तो हम आए हैं ये स्प्लैश अलीपुर, और यहाँ पे काफ़ी इन्जॉय किया था हम सब ने, क्योंकि नीरव को एक्चुअली छुट्टियों में इस बार हम कहीं नहीं लेके गए थे। तो उसने बोला था कि मुझे वाटर पार्क जाना है, कहीं पर भी चलो। तो हम यहाँ पर आ गए, क्योंकि यहाँ से आने का एक रीज़न और ये था कि मुझे जाना था एक्चुअली परांठे खाने के लिए मुरथल। तो दिल्ली के आसपास रहने वालों को पता होगा मुरथल के बारे में। तो मुझे वहाँ पे काफ़ी टाइम से हम सोच रहे थे, तो हमने सोचा चलो पहले स्प्लैश चलते हैं और उसके बाद हम वहाँ जा कर के लंच करेंगे। और उसके बाद हमें जाना था मुरथल से आगे है करनाल, वहाँ रहते हैं विनोद के मामा जी, तो उनके पास हमें जाना था। बट कोई भी हमारे प्लान के अकॉर्डिंग कुछ भी नहीं हुआ। बस हमने यहाँ पे काफ़ी इन्जॉय किया था, जो कि मैं पिक्चर्स के थ्रू आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि वीडियो मैं नहीं बना पाई। अगर वीडियो बनाते तो इन्जॉय नहीं कर पाते। और उसके बाद यहाँ से हम आई थिंक अराउंड 4:30 के अराउंड यहाँ से निकले थे, और हाफ़ एन आवर में हम यहाँ पहुँच गए थे। तो जो मुरथल में है वो सुखदेव ढाबा है, वो बहुत ज़्यादा फेमस है, बट अभी ये गरम धर्म भी खुला है, तो इसके बारे में भी काफ़ी अच्छा सुना था। तो हमने सोचा कि पहले इसको इन्जॉय कर लेते हैं, और कल जब वापस आएंगे तो हम दूसरे वाले को ट्राई करेंगे कि वो वाला कैसा है। तो ये भी काफ़ी अच्छा था। और बट यहाँ तक आते आते मेरा हेडेक हो चुका था बहुत ज़्यादा, तो जितना भी शूट हो पाया मैंने वो कर लिया है। और नीरव को तो पता भी नहीं था कि ये है कौन, मीन्स धर्म जी के बारे में उनको पता नहीं था कि ये कौन है। तो हमने उसको थोड़ा बहुत बताया कि ये उस टाइम के अपने सुपर हीरो थे। तो यहाँ पे बस हमने थोड़ा सा इन्जॉय किया, और हेडेक होने की वजह से मैं शूट भी नहीं कर पाई और इन्जॉय भी नहीं कर पाई। बट यस, बाकी हम सब इन सब लोगों ने बहुत ही अच्छे से इन्जॉय किया, और परी को भी काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि उसके बाद में परी ने डांस इन्जॉय किया था। और ये देखिए, आपको मेरे पे फेस से पता ही चल गया होगा कि तबीयत ठीक नहीं है। और यहाँ पे बज रहा है ढोल, जिसको परी कर रही है इन्जॉय, और आप भी कीजिएगा उसके साथ। देखिए, मैं और नीरा बैठे हुए हैं, नीरा अपना आइसक्रीम इंजॉय कर रहा है और मैं कर रही हूँ अपना इंजॉय अपने हेडेक को। और परी ने बहुत ही ज़्यादा इंजॉय किया, जैसे ढोल बजना स्टार्ट हुआ था परी ने डांस करना स्टार्ट कर दिया था। तो जो भी कैप्चर हो पाया मैंने किया है, मैंने ट्राई किया। और ये ब्लॉग पिछले सैटरडे का है, बट मुझे लगा कि मैं आप लोगों के साथ इसको शेयर करूँ, तो मैं आज थोड़ा सा डिले हो गया, बट मैंने इसको आप लोगों के साथ शेयर किया है। और ये काफ़ी अच्छी जगह है, अगर आप जाना चाहें तो, मुझे बहुत अच्छी जगह लगी। मैं अभी इसको इतना इन्जॉय नहीं कर पाई, तो मेरी प्लानिंग है कि मैं इसको दोबारा से इन्जॉय करने के लिए ज़रूर जाऊँगी, जिस दिन बारिश होगी या फिर ठंड के मौसम में। और यहाँ पर हमने उसके बाद थोड़ी सी पिक्स क्लिक की थी, थोड़ा टाइम स्पेंड किया, और मुझे थोड़ा सा रिलैक्स लगने लग गया था। तो यहाँ के बाद हमें जाना था एक्चुअली विनोद के मामा जी के घर, जो पड़ रहा था यहाँ से 70 किलोमीटर, और यहाँ से जो गुड़गांव था वो था 80 किलोमीटर।
तो विनोद ने पूछा कि कहाँ जाना है, जहाँ तुम कहोगे मैं बिल्कुल बीच में हूँ उसी तरफ चल पड़ूंगा। तो मैंने विनोद को बोला कि मुझे घर ही जाना है, क्योंकि अगर आप कहीं पर जाते हो किसी घर पर और फिर वहाँ जा कर के आप किसी से बातें ना करो, इन्जॉय ना करो, तो वो अच्छा नहीं लगता। तो इसलिए हम वापस गुड़गांव की तरफ हो गई। लेकिन यस, बीच में फिर से प्लान चेंज हो गया और हम गुड़गांव आने के बजाय पहुंच गए अपने घर, मेरे घर यानी बहादुरगढ़। और मैं आज आपको अपनी फैमिली से मिलवाती हूँ। ये है मेरे भाई का बड़े वाला लड़का, मेरे बड़े वाला भतीजा, और साथ में है नीरव। तो मैंने सोचा अब जब घर आ ही गई हूँ और आप लोगों ने बोला था कि अपनी फैमिली से मिलवाओ, तो मैंने अपनी फैमिली से आप लोगों को मिलवा दिया है। अच्छे से नहीं कर पाई हूँ मैं, बट कभी फुर्सत होगी तो मैं फिर दोबारा से मिलवा दूँगी। और मम्मी से तो आप मिल ही चुके हो, ये है मम्मी, और मम्मी मना कर रही है क्योंकि सभी बस अभी उठे हैं, तो इसलिए सबकी कंडीशन थोड़ी सी ख़राब है, घर भी ऐसे ही फैला हुआ है, तो प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा। और ये है मेरी भाभी पिंकी, ये डेंटिस्ट हैं। और ये है मेरा घर, उस तरफ है वॉशरूम, और ये हमारी छत है। और अभी आ रहे हैं भाई साहब, तो ये वैसे तो ये मेरा छोटा भाई है, ये मेरे से 2 साल छोटा है, और इसका नाम है मनीष, और ये है फिजियोथेरेपिस्ट। तो लेकिन हाँ, आप लोगों को लग रहा होगा कि बड़ा है क्योंकि 6 फीट है इसकी हाइट और मेरी तो बहुत कम है, आप लोगों को पता है मेरी हाइट है 4'11", तो काफ़ी गैप है। तो उधर है हमारा वॉशरूम और यहाँ से जाता है नीचे की तरफ, ये सीढ़ियाँ जाती हैं। और ये नीरव है, ये है हमारा बरांडा जहाँ पे ये फ्रिज वगैरह रखा हुआ है, सोफ़ा है, और इसके जस्ट सामने है किचन। तो भाभी मना कर रही थी कि सब फैला हुआ है, अभी शूट मत करो, बट मुझे लगा कि मैं पता नहीं फिर कब जाऊँगी, तो मैं आज ही कर लेती हूँ। तो ये है हमारा किचन, और जो फैला हुआ प्लीज़ इसको इग्नोर कर दीजिएगा, जब कभी साफ़ सुथरा होगा तो जाऊँगी फिर मैं दोबारा से शूट कर लूँगी। और यहाँ पे बैठे हुए हैं, ये है अंदर वाला रूम, यहाँ पे टीवी है, मम्मी पापा का रूम है ये, और मम्मी है, फ्रेंड है, विनोद बैठे हुए हैं। और ये हैं, ये पहले ही शादी से पहले मेरे वाला रूम था, यहाँ पे पूजा घर है और एक बेड डला हुआ है। और ये जाते हैं यहाँ से सीढ़ियाँ नीचे की तरफ, तो मैं आपको बस फटाफट से दिखा देती हूँ। सीढ़ियों के जस्ट सामने है भाई भाभी का रूम, इधर है, ये हमने नीचे किचन बनाया था कि नीचे शिफ्ट हो जाएंगे बट हुए नहीं, तो ये एज ए स्टोर ही यूज़ हो रहा है। और यहाँ पे रखी है वॉशिंग मशीन, यूज़ करते हैं, वॉशिंग मशीन रख दी है, और एक एक्स्ट्रा फ्रिज रखा हुआ है पानी वगैरह रखने के लिए। और ये वॉशरूम है, बाथरूम है, जिसको नीचे भाई भाभी यूज़ कर लेते हैं, जो भी मतलब आता है तो यूज़ कर लेते हैं, ऐसा कोई फिक्स नहीं है। और ये है पापा की बाइक, और ये है मनीष की बाइक जो उसने कॉलेज में ली थी, तो अभी भी ये चल रही है बुलेट, तो काफ़ी उसको अच्छी लगती है तो इसलिए इसको दिया भी नहीं। और ये है भाई अमित है, ये छोटा भाई है, ये मामा का लड़का है जो हमारे साथ गुड़गांव रहता है। और ये है मेरा छोटे वाला भतीजा जो कि बहुत ही शरारती है, और इसने अपना फेस बिल्कुल भी नहीं दिखाया, मैंने इसको इतना बोला बट ये बहुत शर्माता है, ये देखिए, नहीं मुझे कैमरे के सामने नहीं आना है, ऐसे शरारत करते हुए घूम रहा था। और ये है भाई भाभी का रूम, क्योंकि जैसे मैंने भी आपको बताया सब अभी उठ के ही गए हैं, तो इसलिए सब फैला हुआ है। और ये भाई भाभी का रूम है, और इसमें मैं आपको दिखाती हूँ एक नीरव की, भाई जब भाई की शादी हुई थी तो उस टाइम की फ़ोटो है, बहुत ही अच्छी लगती है हमें, ये नीरव की फ़ोटो है। और ये भी जब नीरव बहुत छोटा था, 3 महीने का था, तो ये वाली पिक्चर्स लगी हुई हैं। और ये भाई की सगाई के टाइम की फ़ोटो हैं, और इधर लगी हुई है उसकी शादी के टाइम की फ़ोटो, तो अभी और उसमें तो बहुत टाइम हो गया, शायद 7 से 8 साल हो चुके हैं उनकी शादी को। और ये बड़े वाले भतीजे की फ़ोटोग्राफ है, और उनकी शादी की फ़ोटो जो बनी हुई है। और मैं एक बार आपको बाहर से अपने घर का व्यू दिखा देती हूँ कि कैसे लगता है, यहाँ पे मोटर वगैरह रखी हुई हैं। तो ये है मेरे गांव का घर, मेरे माइक का, तो ये देखिएगा, ये है टोटल ओवरव्यू। तो ऊपर वाला मैंने आपको दिखा दिया, नीचे वाला भी दिखा दिया, और यहाँ पे मैं जो जो दूसरे रूम है वो भी दिखा देती हूँ। ये तो भाई भाभी का रूम था, उसके बाद चलिए मैं आपको दिखाती हूँ, आपको मैं अपनी छत पे लेके चलती हूँ, जो कि मेरे घर का सबसे यादगार पार्ट है, क्योंकि छत पे एक्चुअली क्या होता था, हम जब भी स्टडी करते थे तो हम छत पे आते थे, गर्मियों में शाम को बैठ के स्टडी करते थे, यहाँ पर बैठ के हम शाम को स्टडी करते थे, और सर्दियों में तो धूप आती थी तो सर्दियों में भी यहाँ पर स्टडी करते थे। बट एक अच्छा पार्ट ये था कि अब देखिए सारा भर चुका है, सब ने अपने मकान बना लिए हैं बड़े बड़े, लेकिन जब हम यहाँ पर स्टडी करते थे तो बहुत खाली था और बहुत ही अच्छा लगता था, दूर दूर तक दिखता था। अब तो ऐसा लगता है गांव और शहर में कोई फ़र्क ही नहीं है, वैसे ही बिल्डिंग्स गांव में हैं
और वैसे ही शहर में हो गई है, और ये मेरे ताई जी का घर है, अभी यहाँ पे कोई नहीं रहता है। तो बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं इससे। यादें कितना अच्छा लगता था, शाम को पतंग उड़ाते थे गर्मियों में, भाई सब इकट्ठे हो जाते, चाचा ताऊ के सब बच्चे, तो काफ़ी अच्छा लगता था। बट अब ऐसा कुछ बचा नहीं हुआ है, सब निकल गए हैं अपने जॉब्स के और अपने करियर को लेकर के बाहर। तो चलिए आज का ब्लॉग यही था, फिर मैं आपसे मिलती हूँ दूसरे ब्लॉग में।